देखो तुलसी नर को क्या बड़ो समय बड़ी बलवान, एर काबा लूट ली गोपियां वही अर्जुना भैया समय निकल गयो पाछो नहीं आवेलो साहब। देखो लॉकडाउन में घना चौका चौका मिनट संसार छोड़ चलिया गया, आपने हेलो करा तो पाचा उनाला आपने कौन पूछे थारो कहीं हालचाल है। अपने मिलने वालों में से कई ऐसे सज्जन पुरुष दुनिया छोड़ के चले गए जिनका लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वो आदमी जाने वाला, लेकिन क्या करे समय निकल गया। इसलिए शरीर को कोई भरोसा नहीं है। मैं जोधपुर से चला रहा आपने बीच में आयो, जोधपुर आपने बीच में आई तो क्यों, लेकिन मारो फाचो जोधपुर जानो हाथ में कई टा कल्याणपुर धके जाऊ गाड़ी रे भचीड़ लागो तो लियो थे मन में सोचो कलाकार आया तो कार में गया अखबार में साहब एक पल का भी मुझे भरोसा नहीं है मेरा सुबह क्या होने वाला। इसलिए थोड़ा शरीर नाशवान है सोचे घणो धन पड़ियो करके माए हॉस्पिटल में लगा लिया 10-10 लाख। देखो लोग घणा ही लगाया बार एक ऑक्सीजन का सिलेंडर का रुपया दिया 20,000 बोले नहीं बाबे का वो छींको घलियोड़े मुंडे बहर डोगरो पड़ियो पड़ियो डोगरो पड़ियो पड़ियो डोगरो पड़ियो पड़ियो 20-20 हज़ार रुपया एक एक सिलेंडर का दिया। क्यों दिया के भी आदमी ने बचाना जरूरी हो तो पैसों हॉस्पिटल में भी लागे। अरे मैं तो यही कहता हूं हॉस्पिटल में देने से बजाय आप गौशाला में दें। गौ माता बची तो सनातन धर्म देश बचेगा, गौ माता बची तो अपना धर्म बचेगा, गौ माता बची तो अपना संस्कार बचेगा। इसलिए थोड़ा प्लीज गौ माता और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। एक जिंदगी में एक पौधा लगाए, पेड़ लगाए, एक पेड़ अवश्य लगाए ताकि गुरु जम्बेश्वर भगवान भी आपको पूर्ण आशीर्वाद दे सके। जिंदगी में एक पेड़ लगाए। अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में मनाए। मातो बहनों से विनती करता हूं टाबर थाने ज्यादा परेशान करे, हैप्पी बर्थडे आवे ना जन्मदिन हमेशा गौशाला में मनाओ टाबरा को। ये केक काटना डबूडा फोड़ना मोमबत्ती बुझाना बंद करो, कहीं अंग्रेजाली पड़ता हरू करियो घर में। मोमबत्ती कब बुझाई जाती है आदमी के मरने के बाद, यार जीवता नहीं ए डबूडा फोड़े यार केक काटे यार ओहो ऊटो कल डर थारो मुंडो देख दर्शी में दो बार फेल भी केक काटे। मैं तो उसके खिलाफ हूं। अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए, अच्छा संस्कार दे, चौकी स्कूल में पढ़ाए। और सबसे बड़ी बात मैं जिसके खिलाफ हूं बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, मोबाइल से हटा ले बच्चों को, आपके संस्कार बच जाएंगे, आपका घर बच जाएगा। घर बचाना तो बच्चों को मोबाइल से हटाना पड़ेगा। अब एक है ना ऑनलाइन पढ़े धूड़ पढ़े धूड़ शब्द पोड़ बनाने की बात है, कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए अब आज आगे मैं क्यों कह रही हूं मेरे कालजो जड़े जगाऊ मेरा भाई बिगड़ रहा छोटा छोटा बच्चा। इसलिए मोबाइल बच्चों से दूर रखे हमेशा, बच्चों को मोबाइल ना देवे। नागौर जिले में गांव है इनाना गांव, मुंडा तहसील में इनाना गांव है, वहां गांव की एकता देखिए 36 कौम की एकता। 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों के पास मोबाइल अलाउड नहीं है गांव में, दारू की दुकान नहीं है गांव में। 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्ची टी शर्ट और जींस नहीं पहनते, ये गांव की एकता साहब जन संस्कार बच्चे साहब ऐसा गांव है वो इनाना गांव। उस गांव की 36 कौम की एकता देखेगा, जन संस्कार बच्चे साहब यहां संस्कार बचवाला को नहीं। तारक मेहता उल्टा चश्मा देख लिया पोपटलाल फिर जा फिर छतरी लियो डोर मैं पोपटलाल फिर कंवरो कोई पढ़ना कौन मिले धरती माते। हाँ इसलिए बच्चों में थोड़ा संस्कार दे, ये भारत की धरती है साहब। श्रीमान जोरदार ताले बजाए पूरा पंडाल साहब, आप निराश मत हो। हालीबावरी गौशाला जाने मैं जानो, हाँ हालीबाव मनोर दोराधाम मनोर हाँ वीरावा सागे पूरो जालोर जिलो सागे बस। हाँ जालोर के लिए आप कहीं भी किसी भी जगह याद कर लेना, ये आपका छोटा भाई मरने मिटने को तैयार है गौ माता के लिए किसी भी जगह। बस आपकी तालियां बस मेरे लिए बहुत है। आको नहीं धारकन को 1 लाख रुपया ले जा मेरे टाबरा ने अमेरिका ट्यूशन पढ़ाना, ये मन में कई सोचा लाएंगी घंटे कितनी फीस है रो 4 घंटा भी या 3,000 रुपये भी जूं बैठे हो। हाँ मेरी कोई फीस नहीं है, मैं सिर्फ गायों के लिए बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ, चैलेंज करके बोलता हूँ, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं दिखाया है। एक मिशन और हमने छेड़ दिया अभी 4 महीने पहले, चर्चा करेंगे थोड़ा। जोधपुर से अपने बीच में बता रहे बड़े भाई साहब सतपाल जी अग्रवाल साहब ने जोरदार तालियां। सतपाल जी अग्रवाल पूरी मित्र मंडली के साथ यहां पधारे हैं, सरपंच कैंडिडेट वीरावस है, आपकी ओर से 1,01,101 रुपए तालियां कम है। यह आपकी तालियां ही मुझे मजबूती दिलाती है क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है।
कलाकार कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है। यार कब्र खोद के भी बाहर निकालो, तालियों की गड़गड़ाहट में ही नजर आता है। मेरे लिए आपकी तालियां ही मेरा ब्याज है, ये मूलधनी मेरी तालियां है। बस आपका लाड प्यार चाहिए साहब। ए भाया ऊट पीर भी बयान गयो, मैं ऊट में जाओ जो कोई निकल गई धीरे धीरे, मैं चुड़ाली बयान तो गई है, कोई दिक्कत नहीं, घर गए तो गए, लेकिन वो समय पाछो नहीं आवेगा। भाई साहब बैठ जाओ, कैमरा वाले भाई साहब बैठ जाओ, वो समय वापिस नहीं आएगा। बंदूक में गोली छूट गई तो पाछी, कमांड में तीर निकल गयो तो पाछो, मुंडेर को वचन निकल गयो तो पाछो नहीं आवे। समय निकल गयो, आज की 2 बजी है, आज 2 बजी है, कल की 2 और बजेगी, लेकिन 1,00,000 रुपया खर्च कर दो, 5,00,000 खर्च कर दो, इतना मिनट पाचा इन जजमाता है मिल सके, कोई है गारंटी ले सके जजमाते पाचा इतना मिनट बेड़ा कर दे। सजनो धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं इतना मिनट बेड़ा कर दे पाचा इन जजमाते सगे आदमी आदमी। तो समय है, मिलियो है, 2 घड़ी भगवान का भजन करने का अवसर है। पैसा मन गयो थान आलस नहीं आवे, कौन नहीं आवे। 325 दिन 12 महीने में भजन गाता हूं, 325 दिन 1 साल में, लेकिन वो जनरेटर यही चले जगह, 1 दिन हरुवेर लास्ट है। ये आपका आशीर्वाद है साहब, यार अभी लड़ाई बहुत लंबी है। 100 माफ करना, श्रीमान तुलचाराम जी सनोप चेरुपाराम जी राड वीरावा, तुलचाराम जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। तुलचाराम जी सनोप चेरुपाराम जी राड वीरावा, 1,21,000 रुपए, 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 1,21,000 र
थोड़ी टोटल भी निकालते रहना, सभी राशियों की एक बार टोटल बता दें जल्दी से जल्दी, ताकि कम पड़े तो ले सका बाकी घर जाए। हाँ साहब, अंग्रेजी में लिखा आपने, आई डू नॉट रीडिंग फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर मारवाड़ी। इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा है। हाँ आई डोंट सी फॉर योर राइटिंग, क्यों हम आठ में दो बार हैं। एक घोषणा करो अपने जी, दो साल में ठीक है भाई, तो मार साहब मार कृष्णा जी जड़ा धक्को देर बार काट दियो। प्रकाश कुमार जी सनोप हजारी राम जी कड़वासरा, यदि आप है तो मंच पर आए। प्रकाश जी डॉक्टर साहब, आप पशुधन सहायक हैं, रणोदर से तापी लगे हुए हैं। इस गौशाला में कहीं भी गौ माता बीमार होगी उसका इलाज प्रकाश जी डॉक्टर साहब के द्वारा निशुल्क किया जाएगा, जीवन भर। तालियां बजाए, जीवन भर दवाई प्लस से इलाज फ्री ऑफ चार्ज में। देखो एडा गौ भक्त धरती माता बैठा, कौन कहे तेजा जी को नहीं, कौन कहे बाबू जी को नहीं, कौन कहे जाम्बो जी को नहीं, कौन कहे महाराणा प्रताप को नहीं, साहब माने बारे लाना पड़े। टाफी और नारायणपुर में और गौशाला में इलाज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी आप सुन भी रहे हैं, नहीं भी सुन रहे भाई मीडिया, आप जहां भी है भगवान की दया से सकुशल रहे। प्रकाश जी सुनो, आप स्वर्गीय खैराज राम जी राड मनोर 11,000 रुपए गौ माता के चरणों में सपे बैठ दिए। लाला राम जी धर्माराम जी सारण मेघावा 1100 रुपए तालियों से स्वागत। 501 रुपए गंगाराम जी शंबाराम जी चोटिया सुनता कोई हैदराबाद से ऑनलाइन भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऑनलाइन वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ ये बोल दिए सर, ये ले जाओ एक मिनट बालिका, ये पर्ची दिया आपने। सौ से बढ़ाकर इन्होंने मेरी बात रखी, 11,000 की राशि की है। श्रीमान केसाराम जी हरिंगाराम जी देत्रवार शांतिवाल निकेतन वीरावा तालु से स्वागत। 5100 से 11,000 कर दी राशि आपने। सूरज जी तेजाराम जी मनोर 500 रुपए, भागीरथ जी धनाराम जी राण मनोर 11,000 रुपए, दिनेश जी रीडमल जी नेड 500 रुपए, अशोक जी फगलूराम जी एचरा
वार्ड पंचायत 5100 रुपए, थानाराम जी बीरमाराम जी देवासी वीरावा 1100 रुपए, जय किशन जी जमताराम जी लाम रोड कुड़की हाल बेंगलोर 1100 रुपए, प्रकाश जी बादू सनावड़ा कल्ला 200 रुपए, चंद्र प्रकाश जी बंशीलाल जी संत अलीबाग 1100 रुपए, जयराम जी कृष्णराम जी कुरेड़ा हाल चेन्नई 501 रुपए, चेतनराम जी भगाराम जी बिल 500 रुपए, नवलाराम जी पीताराम जी पादरडी खुट 200 रुपए, 130 सतनाम जी आदुराम जी हरिये शरण में भाती हर जी जी बोलिया बो ए जी बीरदी बने को युतावो बाबा दानिया जियो एक बार तालियों से स्वागत अपने बीच में मोतियों से महंगे मेहमान पधारे हैं जोधपुर की सरजमी से मेगावाट संस्कारों को जन्म दिया जाता है।